नमस्कार दोस्तों, भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है भैया दूज का त्यौहार। भैया दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं, भाई बहनों के बीच उपहार का लेन देन होता है, बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई भी बहनों की लंबी उम्र की कामना करते हैं। लेकिन भैया दूज क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, इसके बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सूर्य की दो संतानें थी, यमुना और यम। यमुना अपने भाई यम से बेहद स्नेह रखती थी, उनसे प्रेम करती थी, लेकिन यमराज इतने व्यस्त रहते थे कि उनके पास मिलने नहीं जा पाते थे। ऐसे में एक बार यमराज अचानक अपनी बहन के घर पधार जाते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं। यमुना ये देखकर बेहद खुश होती हैं और अपने भाई का आदर सत्कार करती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, उनका टीका करती हैं और उनको हर प्रकार से अपना स्नेह देती हैं। यमराज जब जाने लग जाते हैं तो यमराज अपनी बहन की सेवा से बेहद प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझसे कोई वरदान मांगिए। भाई की ये बात सुनकर यमुना कहती हैं कि आप हर साल इसी दिन मेरे घर पर पधारें और मैं आपकी सेवा करूँ। और माना जाता है कि तब से ही भैया दूज का त्यौहार मनाया जाना शुरू हुआ। जिस दिन यमराज यमुना के घर में पधारे थे वो तिथि थी कार्तिक शुक्ल द्वितीया, और तब से कार्तिक शुक्ल द्वितीया को ही भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, साल 2023 में 14 नवंबर को भैया दूज का त्यौहार मनाया जाएगा और इस दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त है दिन में 1:09 से लेकर दिन में 3:20 तक। अगर आप इस दौरान अपने भाई को तिलक लगाती हैं तो इस शुभ मुहूर्त में तिलक करने से उनको भी लाभ होगा और आपको भी लाभ की प्राप्ति होगी, इसलिए आपको इस शुभ मुहूर्त में ही अपने भाई को तिलक लगाना चाहिए। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि 15 तारीख को भी आप भैया दूज मना सकते हैं, 15 तारीख की सुबह भी आप अपने भाई का तिलक कर सकते हैं। तो इस तरह 14 तारीख को भी आप भैया दूज का त्यौहार मना सकती हैं और 15 तारीख को भी भाई बहन भैया दूज का त्यौहार मना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको भैया दूज के दिन कुछ उपाय भी करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन भाई बहन यमुना नदी में स्नान करते हैं तो उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसके साथ ही इस दिन चौमुखी दीपक जलाकर भी आप घर में खुशहाली ला सकती हैं। आपके घर में अगर आप चौमुखी दीपक जलाती हैं तो इससे यमराज की कृपा आप पर बनी रहती है। इसके साथ ही इस दिन भाई बहन को दान भी अवश्य करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलता है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करने से आपको भैया दूज के दिन लाभ मिलेगा। इसके साथ ही शुभ मुहूर्त क्या है, टीका करने का, वो हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT Life। नमस्कार।